मैं अब्बास, और मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ इसका पहले ऑलरेडी दो वीडियो आ गया क्विक एडमिन पैनल का। आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो अभी उसको थोड़ा डेवलप करना है, और क्या डेवलप करना है वो देखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा जो सर्वे है इसको चलाते हैं, PHP आर्टिसन सर्वे, राइट, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाके देखता हूँ मेरा प्रोजेक्ट लास्ट तक कैसे दिख रहा था, तो ऐसा आ रहा था। तो मैं ये इसको क्या करूँगा कि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर Team 1 का पॉइंट नहीं है, Team 2 का पॉइंट है, लेकिन फिर भी शो कर रहा है क्योंकि मैं पूरा टेबल को शो कर रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए, जिसमें गेम नहीं हुआ है वो क्या आएगा, अपकमिंग गेम आएगा, और जो हो गया उसका एक पॉइंट दिखाएगा, जो गेम होता है उसी का पॉइंट दिखाता है ना। इसीलिए मैं थोड़ा इसको डेवलप करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डेवलप होता है, ठीक है। और मैंने ये थोड़ा डेवलप किया है, बाद में बताता हूँ, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोडिंग में जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो मैं कोडिंग में अभी क्या करूँगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ क्या मैं एक ये बनाता हूँ कि अपकमिंग गेम, ओके। फिर क्या करूँगा, एक टेबल लूंगा, टेबल, ठीक है, टेबल के क्लास लेते हैं, क्लास टेबल, ओके, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, कोड में बस मुझे ये चाहिए, ये तीनों चाहिए। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पहले ये ले लेते हैं, स्टार्ट टाइम लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है, सीक्रेटलेस। तो ये बन गया मेरा डिज़ाइन पार्ट, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कैसा सी। स्टार्ट टाइम Team 1 Team 2, राइट। तभी इसको मुझे डेटा को बुलाना होगा, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मुझे फिर से कोडिंग पार्ट में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे पहले गेम्स कंट्रोलर में, तो मुझे क्या चाहिए, अच्छा डॉट रिजल्ट में मुझे नहीं चाहिए ऑल, तो मुझे क्या करना चाहिए, जहाँ पर नल नहीं है वो मुझे चाहिए, व्हेयर नॉट नल, राइट। क्या अच्छा, मेरा वहाँ पर जो एक ही में एक को ही लेता हूँ, 0.1 को ही लेता हूँ कि मेरा ये नल ना हो तब आए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, गेट, ओके। तो ये गया मेरा एक, और दूसरा जो होगा, अच्छा इसको पहले एक बार देखते हैं कैसे काम करते हैं, ठीक है। सी, जो मेरा पॉइंट नहीं था वो चला गया, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया मेरा रिजल्ट, जो जो गेम में मेरा 0.1 में वैल्यू है हुआ है। मैं 0.2 भी कर सकता हूँ, दोनों कंडीशन लगाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अभी 0.1 के ही कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो लास्ट दो गेम था वो चला गया, राइट। तो मुझे वो जो चला गया मुझे वो यहाँ पर आना है अपकमिंग गेम से, मतलब जिसमें 0.1 नहीं है वो मेरा अपकमिंग गेम्स है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे और थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, क्या है, ओके। यहाँ पर मैं और एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अच्छा देखने में अजीब लग रहा है कोड का, इक्वल कर लेता हूँ, इंटर, कि मैं वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर गेम्स इक्वल टू गेम, मेरा टेबल नेम है जो, ओके, व्हाइल नल, ओके, क्या 0.1, राइट। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गेट, सेम कोड है, सिर्फ एक जगह पे नॉट नल होगा और एक जगह पे नल होगा। जहाँ पर नल होगा 0.1 वो लेगा उस टेबल में, जहाँ पर नॉट नल होगा वो लेगा रिजल्ट में, ओके। तो यहाँ पर और थोड़ा ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्या ऐड करूँगा, GAMES गेम्स, हो गया मेरा इसका गेम्स कंट्रोल का कोडिंग हो गया। अभी इसमें जाना होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे एक फॉर एल्स बनाना पड़ेगा,
बनाता हूँ फॉर एल्स एट द रेट फॉर एल्स। तो मेरा वहां पर क्या था, डॉलर कैम्स राइट, डॉलर्स ओके सॉरी डॉलर गेम्स एस ओके गेम ही लेते हैं डॉलर गेम ओके। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख सकता हूँ ओके लिखते ही किया, कॉपी नहीं कर रहा हूँ ओके। सो मुझे ए दो चाहिए बस ओके, ए दो मैं ले लेता हूँ। ओके डन नाउ। इसके बाद मुझे फॉर एल्स को एंड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ओके। मैं यहाँ पर वेरिएबल नेम नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर भी सेम लिया डॉलर गेम ओके, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे स्टार्ट टाइम चाहिए गेम टीम 1.1.2 नहीं चाहिए क्योंकि मेरा वो अपकमिंग सेम है राइट, यहाँ पर मैंने मैसेज भी दिया हूँ ठीक है। तो मुझे और जो करना पड़ेगा, अगर एम्प्टी हुआ तो ठीक है डॉलर एम्प्टी टी आर, तो क्या करेगा एक मैसेज शो करेगा टी डी, क्या है मैसेज, मैंने वो मैसेज यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हूँ ठीक है ओके थ्री। इसके बाद मुझे क्या देना है, नो अपकमिंग गेम्स राइट ओके, 500 बट ये रिक्वेयर नहीं है ठीक है, तो डॉट दे देते हैं। उसके बाद मुझे जो मेरा फॉर एल्स है उसको एंड करना पड़ेगा डॉलर एंड फॉर एल्स ओके। तो ये मेरा ऑलमोस्ट इसका कोडिंग हो गया और थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में ठीक है, इसलिए मैंने ये किया। अभी तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, एरर ना आए बस ठीक है। तो आ गया ना, जो यहाँ पर आ रहा था वो आ गया ठीक है। तो इसका एक कोडिंग खत्म है, आप कोडिंग देख सकते हो। और एक बार मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया मुझे जो चाहिए था, और एक मैंने टेबल लिया उसमें स्टार्ट टाइम टीम वन, तो मैंने एक अपकमिंग गेम दे दिया जिसमें 0.1.2 नहीं होगा, वो अपकमिंग गेम्स में आ जाएगा और तो उसका गेम्स कंट्रोल का एक कोडिंग है ठीक है। तो इतना तक तो समझ में आया ही होगा और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी जो पॉइंट है से वही आ रहा है ठीक है। तो मैं इसको एडमिन में भी जा सकता हूँ, मैंने एडमिन नाम का एक ए बना लिया ठीक है, जो मैं आसानी से एडमिन तक जा सकता हूँ, इसीलिए एक एडमिन नाम का ए बना लिया। मैं कैसे बनाऊंगा मैं दिखाता हूँ ठीक है। तो पहले मैं एक डाल के देखता हूँ वहाँ पर आता है कि नहीं आता है। तो मेरा क्या है, admin@admin.com और पासवर्ड मेरा पासवर्ड ही है ठीक है, देखो लॉग इन मेरा नहीं सबका सेम ही है ठीक है, जिसने जिसने प्रोजेक्ट बनाया। तो कहाँ है गेम्स राइट, तो ओके ये लास्ट वाला था जिसमें पॉइंट नहीं था इसलिए वो आ रहा है। ऐड न्यू करते हैं कॉल को, कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड मुंबई इंडियंस ओके, स्टार्ट टाइम कल का है कितना कल डेट है 1 ओके, आज 1 है और टाइम है 8/7/16/17/18/19/20 राइट डन ओके। तो मैं क्या करूँगा, सेव कर लूँगा ठीक है, मैं होम पेज में जाता हूँ ओके। अच्छा होम पेज के लिए मैं कोई बटन नहीं बनाया, वो आप लोग बना लेना ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आ गया ठीक है। एक कल का गेम है 1/1/5/2018 कल है गेम, मेरा अपकमिंग गेम है, जब रिजल्ट आएगा अप टू डेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है।
सिंपली। और मैंने ये ऑलरेडी टीम बना लिया है एक। एक्चुअली मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने टीम और प्लेयर का मैंने पहले से ही कोड लिख लिया, ठीक है। तो देखते हैं टीम में क्या क्या आता है। देखो टीम में क्या हुआ कि ये जो है ये 14 खेला है, 8 जीता है, 6 लॉस्ट किया है। ये टीम में पूरा डिटेल्स आ जाता है, कितना खेला है, कितना खेला, क्योंकि हम लोग जब टेबल बनाया था ये सब सब बनाया था, ठीक है, तो सबको याद ही होगा, ठीक है। तो कोडिंग क्या है, कोडिंग सेम है जो पहले मैंने लिखा था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार शो अप कर देता हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है। ये मेरा टीम का है, देखो। हाँ, मैंने प्लेट को, अगर कोई प्ले नहीं किया तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा सब टीम ने थोड़ा प्ले किया, इसीलिए कोडिंग सेम है। जैसे कि 0.1 का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने हॉय नॉट नल, मतलब प्लेट जब नॉट नल होगा तभी वो पूरा टेबल को कॉल कर लेगा, ठीक है। तो ही मेरा टीम कंट्रोलर का है, और इसके लिए मैंने एक कंट्रोलर बनाया और टीम्स के लिए एक अलग से पेज भी बनाया, ठीक है। ये है मेरा टीम्स ब्लेड डॉट पीएचपी, ओके, सेम है, ठीक है। आपको भी यहाँ पर जब बनाना पड़ेगा तो टीम्स ब्लेड डॉट पीएचपी एक बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने गेम्स डॉट ब्लेड पीएचपी का एक बनाया था, ठीक है। उसकी तरह प्लेयर्स का भी मैंने एक बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक प्लेयर्स कंट्रोल भी बनाया, कंट्रोलर भी बनाया, ठीक है। सी, इसमें सिंपल कोड है जो मैंने पहले गेम्स में किया था, वही कोड है। मतलब मैं ये प्लेयर का पूरा के पूरा ही चाहिए, देखते कैसे आते हैं वो, ठीक है। प्लेयर ना, अरे यार, ओके, कोई ना, कोड में कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। तो यही है, तो टीम का है ये, ठीक है, और ये गेम्स का है। तो ये दो बनाना, प्लेयर के भी सेम गेम्स की तरह ही बनाना। एक्चुअली मैंने प्लेयर का भी तो कोड लिखा नहीं, शायद इसलिए नहीं आ रहा है। और एडमिन मैंने यहाँ पर एक लिख दिया, ठीक है। तो आप लोगों का क्या है ना, प्लेयर का ये मतलब आप खुद ट्राई करना, ओके, और मुझे बताना कमेंट में कि कैसे आया कि नहीं आया है। और एक प्रोजेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा और इजी प्रोसेस है कि क्विक एडमिन पैनल के थ्रू कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज तक इतना ही है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो भी लार्वल के बारे में ही होगा, लेकिन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से होगा, क्योंकि ये मैंने जो आज से 3 वीडियो बनाया है टोटली मतलब क्विक एडमिन पैनल के ऊपर। पहले क्विक एडमिन पैनल बना लो नेट ऑनलाइन से, फिर उसको यहाँ से प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंटेशन करो, राइट, है ना। और ये छोटा में अच्छा भी लगता है देखने में, ठीक है। और मैंने एडमिन में जो बनाया, मैंने बोला ये दिखाऊंगा, ठीक है, दिखा देता हूँ ये भी। तो मुझे मेरा मेन कहाँ है, ये मेरा फॉन्ट में है ना। तो फॉन्ट कहाँ पर रहता है, यहाँ पर लेआउट पे, तो फॉन्ट, ओके। तो यहाँ पर मैंने लॉग इन का एक राइटर दे दिया, ये दिया मैंने, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग भी बोर हो गए तो ये आप खुद खुद ब खुद कोशिश करो, आ जाएगा इजीली है। मैंने जो पहले जो गेम्स का जैसे बनाया सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर भी मैं ये सॉल्व करके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से लिंक करके, वहां से डाउनलोड करके देख लेना कि कैसे हो रहा है, ठीक है। बस आज के वीडियो ऐसे ही है, थैंक यू। और ये हमारा नया चैनल है, और इस चैनल में आप लोगों को पीएचपी, पाइथन, टीओसी, और ये मेरा लार्वल का 4 लैंग्वेज का भी चल रहा है। और भी कुछ हम लैंग्वेज अपलोड करेंगे, या और भी कुछ कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट वगैरह, तो हमारा ये नया चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके हम लोगों को बताएं, हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये हमारा पूरा टीम है, और एक हम लोग एक कॉलेज मेंबर्स हैं, सबके सब स्टूडेंट हैं, हम लोग यही बना रहे हैं बस, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।